बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर प्लांट बायोकेमिस्ट्री वन क्लास। इन द पास्ट फ्यू वीडियोस वी हैव बीन डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसिंग एंड द रिक्वायर्ड स्टेप्स फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ द प्रोटीन आर एक्सट्रैक्शन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। यू विल हैव टू एक्सट्रैक्ट प्रोटीन फ्रॉम अ सोर्स, सेल्स और टिश्यूज। Next is the purification of the POI, the protein of interest. Once you have purified the protein, obtained the protein in pure form, next is, or the final step is, determination of its sequence. तो वो हमने देखा कि sequencing कैसे की जाती है, ख़ास तौर पर वो proteins जिनकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स की लंबाई ज़्यादा होती है, जिनमें अमीनो एसिड्स की तादाद ज़्यादा होती है, तो उनको हम एडमेंट डिग्रेडेशन से नहीं कर सकते, क्योंकि एडमेंट डिग्रेडेशन की लिमिटेशंस हैं। वो एक ख़ास हद तक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है लंबाई की, उसको वो डिग्रेड कर सकता है या तोड़ सकता है, और हम एक एक करके उसमें से अमीनो एसिड निकाल के वो सीक्वेंस मालूम कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी प्रोटीन्स होती हैं, जिनकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स की लंबाई सैकड़ों या हज़ारों अमीनो एसिड्स में होती है, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। फिर हम हर एक फ्रैगमेंट की का सीक्वेंस मालूम करते हैं। अब यहाँ तक तो बात बड़ी सिंपल है कि हर एक फ्रैगमेंट का सीक्वेंस मालूम हो जाता है, लेकिन हमारा जो इशू है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बहुत बड़ी प्रोटीन है और हमने इसको फ्रैगमेंट्स में, ये छोटे छोटे 50-50 या जितने भी साइज़ के बनते हैं पीसेज में हमने तकसीम कर दिया। ये इसका एन टर्मिनल है और टर्मिनस, और ये सी कार्बोक्सी टर्मिनल है। अब फ्रैगमेंट्स तो बन गए, फ्रैगमेंट्स के सीक्वेंस भी मालूम हो गए, लेकिन हमारा जो एक्चुअल इशू है, जो हमारा एक्चुअल टास्क है, प्रॉब्लम है, जिस चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं, वो ये है कि हमने यहाँ से ले कर यहाँ तक ये सारा सीक्वेंस मालूम करना है। तो अब ये जब ये पीसेस टूट जाते हैं तो वो मिक्सअप हो जाते हैं, और ज़ाहिर है कि हमारे लिए उनको दोबारा जोड़ना मुमकिन नहीं होता। तो इसके लिए फिर हम एंजाइमेटिक प्रोसीजर या मेथड या तरीक़ाकार, जो भी आप कह लें, वो हम इख्तियार करते हैं। मुख्तलिफ एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादातर ज़ाहिर है कि जो एंजाइम इसमें इस्तेमाल होंगे वो पेप्टाइडेसेस ही होते हैं, यानी कि प्रोटीन को तोड़ने वाले। तो उसमें हम फिर डिफरेंट एंजाइम्स इस्तेमाल करते हैं, और उन एंजाइम्स को इस्तेमाल करके हम प्रोटीन के जो पीसेस बनते हैं उनमें हमारे पास क्लू होता है, हिंट होता है, उनमें हमारे पास यह होता है, एक तरीक़ाकार उनके अंदर होता है, छुपा होता है, जो कि हमने उसी को ढूंढ के फिर यह सारा सीक्वेंस सही तरीके से करना होता है, और वो हमने पिछली वीडियोज़ में देख लिया। और वो ये था कि स्टार्ट के लिए ऐसा सीक्वेंस देखें जो कि कॉमन हो तमाम एंजाइम्स में। अब इसमें जो हमने एंजाइम इस्तेमाल किए थे पिछली वीडियो में, जो हमने देखा था, उसमें काइमोट्रिप्सिन और दूसरा जो था वो ट्रिप्सिन, और तीसरा जो था, दिस इज़ नॉट एन एंजाइम, सीबी, साइनोजन ब्रोमाइड। तो इन सब के अपने अपने क्लीवेज पैटर्न हैं। काइमोट्रिप्सिन जो है ये एरोमेटिक अमीनो एसिड्स AA, जिनमें ट्रिप्टोफेन है, फिनाइल एलानिन है, ट्रिप्टोफेन, फिनाइल एलानिन और टीरोसिन, जैसे कि मशहूर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं, ये उनको ब्रेक करता है। ट्रिप्सिन जो है ये आर्जिनिन और लाइसिन को ब्रेक करता है। साइनोजन ब्रोमाइड जो है ये M पे ब्रेक लगाता है, कट लगाता है, ब्रेक करता है उसको, पॉलीपेप्टाइड चेन को ब्रेक नहीं लगाता बल्कि ब्रेक करता है। तो अब ये जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट होती है उसके लिए हम ये तीनों एंजाइम इस्तेमाल करते हैं सेपरेटली, और उसके जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं जो कि हमने पिछली वीडियोस में देख लिया, तो उसमें हमारा स्टार्ट वो होगा जो कि इन सब में क्या होगा, कॉमन होगा, वो हमने पिछली वीडियो में देख लिया। क्योंकि जो एन टर्मिनल होगा प्रोटीन का, जो स्टार्ट होगा, उससे पहले आप कट नहीं लगा सकते, ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा है। तो हर एक अमीनो, ये जो है एंजाइम है,
वो किसी न किसी एंजाइम अमीनो एसिड पे कट लगाएगा, तो जाहिर है जो पहला सिरा होगा वो सब में कॉमन होगा और आखिरी एंड वो होगा जो कि जिसमें अगर काइमोट्रिप्सिन से हमने वो फ्रैगमेंट्स लिए हैं तो उसके आखिर में W यानी कि ट्रिप्टोफैन नहीं होना चाहिए, फिनाइल एलानिन नहीं होना चाहिए और टेरोसिन नहीं होना चाहिए। अब अगर हमने ट्रिप्सिन से वो फ्रैगमेंट्स लिए हैं तो उनके उन फ्रैगमेंट्स के आखिर में R नहीं होना चाहिए, K नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन फ्रैगमेंट्स के आखिर में काइमोट्रिप्सिन के सिलसिले में ये तीनों अमीनो एसिड्स होंगे तो मतलब है इस जगह से कट लगाया गया है, ये चेन आ रही है और जहाँ पे उसको W मिला है उसने W से काट दिया। तो अब ये जो पीस बनेगा इसके एंड पे या W होगा या F होगा या Y होगा, ट्रिप्सिन के सिलसिले में यहाँ पे या R होगा या K होगा और अगर C भी है तो ये जगह M होगी। तो इसका मतलब है कि चेन इसके आगे है, इस जगह से एंजाइम ने इसको क्या किया है, काट दिया है। तो हम वो टुकड़ा ढूंढेंगे जिसके एंड में ना ये हो ना ये हो, ना वाई हो ना आर हो ना के हो और ना एम हो, वो उस वक्त जब हम ये तीन इस्तेमाल कर रहे हैं और हम एक से ज़्यादा एंजाइम करना जो है वो ज़रूरी है, वो हमारी मजबूरी है। उसकी वजह भी अभी आगे सामने आएगी कि हम वाई वी यूज़ मोर देन वन एंजाइम। तो अब ये जो पीस बनेंगे तो ज़ाहिर है कि जब उनके आखिर में ये इनमें से कोई एक 6 अमीनो एसिड में कोई एक होगा तो मतलब ये हमारा एंड पीस नहीं है। तो एंड पीस वो होगा जिसके आखिर में एक तो COOH हो, लेकिन यहाँ पे जो अमीनो एसिड हो वो इन में से कोई भी ना हो, यानी बिल्कुल लास्ट वाला जो अमीनो एसिड है इट मस्ट बी अदर देन दी 6, तो वो हमारा एंड पीस होगा। स्टार्ट वाला वो होगा जो कि तमाम अमीनो एसिड्स में, तमाम एंजाइम के फ्रेगमेंट्स में कामन है। और इसी तरीके से जो और जो एंड वाला पीस है वो भी इन तीनों इन 6 अमीनो एसिड में अगर एंड नहीं होता तो दैट विल बी आवर एंड पीस। तो सो फार सो गुड, हमें स्टार्ट भी मिल गया, हमें एंड भी मिल गया। तो ज़ाहिर है कि अभी हमारा मसला तो हल नहीं हुआ। सपोज जो प्रोटीन जिसका हम सीक्वेंस करने जा रहे हैं उसमें 10 ये हैं फ्रेगमेंट्स हैं, तो हमें पहला मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, 10वां हो जाएगा। तो अभी हमने 8 फ्रेगमेंट्स हैं जिनको हमने इस स्टार्ट और इस एंड वाले फ्रेगमेंट के बीच में लगाना है। फॉर एग्जांपल ये 1 है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो अब ये फ्रेगमेंट्स इनकी तरतीब कैसे बनेगी, चलो पहला और आखिरी तो हमने उसके लिए एक तरीक़ाकार हमें पता है कि ये तरीक़ाकार हो तो वो पहला होगा और ये क्राइटेरिया हो तो वो आखिरी होगा। व्हाट अबाउट दीज पीसेस, मिडल पीसेस जो कि इन दोनों के दरमियान में फिट होती हैं? तो यहाँ पे आ जाता है कि हम ये तीन एंजाइम क्यों इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसको डिस्कस करते हैं। तो एक से ज़्यादा एंजाइम इस्तेमाल करने की वजह यह है कि हमारे पास ये जो पीसेज आते हैं, अब ये हमारा फर्स्ट पीस है और ये हमारा 10th पीस है, अब ये बीच वाले पीसेज हैं, हमें नहीं पता कि इनमें दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा। तो इसका जो क्लू है वो इन तीनों एंजाइम्स के एक्शन में आया, तीनों कंपाउंड्स के, जिनमें एक कंपाउंड है और दो एंजाइम्स हैं, कि जब ये काटते हैं फ्रैगमेंट्स बनाते हैं, जो कि ये तीनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, हर एक अलग अलग काम करता है, तो इनके ये जो पीसेज बनते हैं ये ओवरलैपिंग होती है। तो हम उन ओवरलैपिंग पीसेस को देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सा टुकड़ा जो है वो दूसरे नंबर पे आएगा, कौन सा तीसरे नंबर पे आएगा। तो इसी तरीके से हम ये तमाम चीज़ें जो बीच वाले पीसेस हैं उनकी तरतीब को मालूम करते हैं। अब इसमें हम मेरा ओवरलैप से क्या मुराद है, अब एक एंजाइम ने फॉर एग्ज़ाम्पल कट लगाया तो ये 4 अमीनो एसिड, दूसरे ने कट लगाया उसका जो पहला अमीनो एसिड था सपोज वो यहाँ पे आया, सपोज ये साइनोजन ब्रोमाइड का M यहाँ पे पड़ा हुआ है और ट्रिप्टोफेन का W जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने जो कट लगाया तो ये जो पहले जो भी 3 अमीनो एसिड थे, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं इनको, सपोज ये ग्लाइसिन है और ये प्रोलिन है और ये वैलिन है, तो ये भी ग्लाइसिन होगा, ये भी प्रोलिन होगा, ये भी वैलिन होगा और यहाँ पे W होगा।
और बाकी ये और अमीनो एसिड हैं इनके भी हम कोई नाम ले लेते हैं। सपोज ये जो है एस्पार्टिक एसिड है, और यहाँ पे जो है हिस्टिडीन है, और यहाँ पे सिस्टीन है। तो मेरे ख्याल में आपको जो ओवरलैपिंग वाली बात अब समझ आ रही होगी कि अब इनमें, और चलो हम ये वो भी ले लेते हैं। तो ये हमारा तीसरा एंजाइम है। सपोज इसका के यहाँ पे है, तो जी इधर पी आएगा, वी डब्ल्यू डी एच सी एम, और सपोज यहाँ पे फिर ग्लाइसिन है और यहाँ पे फिर सी है। तो ट्रिप्सिन ने यहाँ पे काटा, तो ये उसका पीस है, ये सी बी है, ये ट्रिप्सिन है, और ये हमारे पास काइमोट्रिप्सिन है। इसने W पे काटा, और इसने जो है M पे काटा, मिथाइनिन पे काटा, और इसने K पे काटा। तो आप देख रहे हैं कि अब ये ओवरलैप करता है, ये पॉइंट इसमें और इसमें कॉमन है यहाँ तक, और उसके बाद ये M तक, ये इसमें और इसमें जो M तक कॉमन है ये आगे है। तो अब जब भी हम पीसेस को अरेंज करते हैं, तो हमने जब पहला पीस लगाना है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है, ये वाला सीक्वेंस, इट इज़ कॉमन टू ऑल, ये वाला, तो इट इज़ आवर स्टार्ट पीस। तो हम कौन सा लेंगे, हम स्टार्ट में इसको लगाएं, तो हम ये जो तीसरे वाला है इसको हम लगाते हैं, तो हमें के तक सीक्वेंस का पता चल गया। अब उसके बाद फिर हम दूसरे फ्रेगमेंट्स को देखते हैं कि दूसरे जो फ्रेगमेंट्स हैं वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो उसमें यही ज़ाहिर है कि जैसे जैसे अमीनो एसिड्स आएंगे तो उसमें ओवरलैप हमें मिलेगा, और उसी ओवरलैप को देख के हम ये टुकड़े आपस में जोड़ेंगे, तो उसमें हमें फिर दूसरे पीस का तीसरा पीस। तो अब जो एक्चुअल एग्जांपल है वो हम लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है कि आपने थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट जो था हमारा सिक्वेंसिंग का, कि ये पीसेस को हम कैसे जोड़ेंगे या कैसे मिलाएंगे, होपफुली के कुछ ना कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम एक्चुअल एग्जांपल्स, जिसकी वीडियो भी आपने देख ली होगी, उसी को हम लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।